बदले की आग में धधक रहे मिडिल ईस्ट में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच हमलों का दौर सबसे चरम पर है। एक तरफ इसराइल लेबनान के भीतर घुसकर भयानक बमबारी कर रहा है और उसने हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी है, तो दूसरी तरफ नसरल्ला समेत 10 कमांडरों के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्ला के हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वो बराबरी से इसराइल की नाक में दम किए हुए हैं। शुक्रवार की शाम हिजबुल्ला के लेबनान से 2 ड्रोन इजरायली एयर स्पेस में घुसे और उन्होंने जमकर तहलका मचाया। लेबनान से आए हिजबुल्ला के 2 ड्रोनों ने तेल अबीब के उत्तर में हरजिला में एक इमारत पर जोरदार हमला किया। इजरायली मीडिया रिपोर्टर के अनुसार हमले के कारण इमारत को नुकसान पहुंचा और पूरे शहर में बिजली गुल हो गई। इजरायली मीडिया ने बताया कि लेबनान के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की तरफ से आए ड्रोन का ये सबसे लंबी दूरी का हमला था। बताया जा रहा है कि पहले तो इजरायल को लगा था कि ड्रोन इराक या यमन से आया हो सकता है, लेकिन बाद में इजरायली सेना ने पुष्टि करते हुए बताया कि ड्रोन लेबनान की ओर से दागे गए हैं। गाजा की तरह अब लेबनान भी जंग का मैदान बन चुका है। इजरायल और हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। लेबनान के पीएम ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह लेबनान पर इजरायल के हमले रुके, लेकिन अब इजरायल रुकने के मूड में कतई नहीं है और उसका अगला बड़ा हमला ईरान पर होने वाला है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट की सूरत ही बदल जानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हिजबुल्ला के ड्रोन ने इजरायली एयर स्पेस के बॉडीगार्ड कहलाने वाले आयरन डोम का घमंड कैसे चूर चूर किया। लेबनान के ड्रोन 100 किलोमीटर भीतर तक घुस आए और आयरन डोम को भनक तक नहीं लगी। इससे पहले भी ईरान के मिसाइलों ने इजरायल के आयरन डोम के आंख और कान बंद कर दिए थे। ऐसे में हिजबुल्ला के लड़ाकों के लिए भी ये खबर हैरान कर देने वाली है कि उसके ड्रोन को आयरन डोम रोक नहीं सका। बहरहाल लेबनान और गाजा में इजरायली सैनिकों और हिजबुल्ला के बीच जंग बेहद तेज हो चुकी है। इजरायली मीडिया ने गुरुवार को बताया कि 24 घंटे में हुए ताबड़तोड़ हमले में 22 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 20 लेबनानी सीमा पर और 2 गाजा पट्टी में घायल हुए। इजरायली मीडिया ने बताया कि सेंट्रल अल जलील में करमील क्षेत्र को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी के बाद IDF के 4 सैनिकों के घायल होने की जानकारी मिली है, जबकि घायलों को निकालने का प्रयास करते समय मैस अल जबाल क्षेत्र में एक इजरायली हेलीकॉप्टर को सीधे निशाना बनाया गया, जिससे इजरायली एम्बुलेंस को घटना स्थल से भागने पर मजबूर होना पड़ा। गुरुवार की सुबह इजरायली कब्जे वाली सेना ने लेबनानी सीमा पर चल रही लड़ाई में अपने एक सैनिक की मौत और दूसरे के घायल होने की बात स्वीकार की है। सेना ने बताया कि मृतक सैनिक 228वीं ब्रिगेड का था और 5030वीं बटालियन का एक अन्य सैनिक उसी घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान में इजरायल के जमीनी आक्रमण के बाद से अब तक इजरायल के 12 सैनिक हताहत हो चुके हैं, तो वहीं इस्लामिक रेसिस्टेंस ने दावा किया है कि कब्जे वाले इलाकों में IDF ने 35 लोगों की जान गंवाई है, जिसमें ऑफिसर रैंक के भी लोग शामिल है, तो वहीं 200 लोग घायल हुए हैं। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीधी और कांटे की टक्कर जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हमले के बाद इसराइल पलटवार कैसे करता है।